गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूटा कंजेंशन फिर से वीडियो लेके आ गए। जैसे कि स्टार्टिंग में एक वीडियो देखने को मिल गया, उसी साउंड में बहुत ही ट्रेंड में चल रही है टिकटॉक मार, उसी साउंड में आप भी वीडियो बनाते हो यार, और किस तरीके से वीडियो बना पाओगे, इसलिए मैं एक वीडियो लेके आ गए। जैसे कि स्टार्टिंग में एक वीडियो देखने को मिल गया, और उसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से एक्टिंग कर लेना है, जैसे कि स्क्रीन पर देख रही है उसी से एक्टिंग करना है। उसके बाद आप पाइमेस्टर एप्लीकेशन के थ्रू बिल्कुल इसको बना सकते हो, पाइमेस्टर एप्लीकेशन के थ्रू इसको एडिट करना है। आपके मोबाइल में पाइमेस्टर एप्लीकेशन नहीं है तो यार इंस्टाग्राम आईडी देख रही है, इसमें जाके फॉलो कर लीजिए, आपको मिल जाएगी, उधर डाउनलोड कर लेना काइमेस्टर प्रोमो, ठीक है। उसके बाद आपको एडिट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल नया विजिट किया प्लीज सब्सक्राइब कर दिया, ऑल प्रेस कर दीजिए। जब भी इस तरीके से वीडियो लेके आऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी यार, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने यार, अभी लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काइनमास्टर जैसे ओपन करते हो उसके बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस वाला रेशो सिलेक्शन कर लेना है 9:16 का, इसको सिलेक्शन करते हो। इसको जैसे सिलेक्शन करते हो उसके बाद क्या करना पड़ेगी, ये जो मीडिया ऑप्शन आप देखने को मिल जाता है, मीडिया में जाके पहले आप बैकग्राउंड सिलेक्शन कर लीजिए, इसमें क्लिक करके अपने मनपसंद बैकग्राउंड सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है, उसके बाद क्या करना पड़ेगी, जो आप वीडियो नॉर्मल कैमरे से शूट किया एक्टिंग किया है उस वीडियो को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। उस वीडियो को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करने के लिए सबसे पहले लेयर पर क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उस वीडियो को ऐड कर लेना है। जैसे उस वीडियो को ऐड करते हो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगी, इसको इस हीरो पे क्लिक करके कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है इसको, ठीक है। बड़ा जैसे करते हो उसके बाद क्या करना पड़ेगी, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद इसकी सबसे वीडियो के हिसाब से आपको बैकग्राउंड को भी इक्वल कर दीजिए। बैकग्राउंड को जैसे इक्वल करते हो उसके बाद इसमें क्लिक करके बैक कर दीजिए। उसके बाद फिर से आपको स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाना है। स्टार्टिंग पोजिशन में जैसे आते हो उसके बाद क्या करना पड़ेगी, वो टिकटॉक से वही वीडियो आप डाउनलोड कर लेना है, वो सहरे बाबू उस वीडियो को आपको डाउनलोड करना है, वो लड़की का वीडियो, ठीक है। आपको मिल जाएगी टिकटॉक में, सर्च कर लीजिए घूमता रानी मिल जाएगी इसे, ठीक है। उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगी, उस वीडियो को आपको सिलेक्शन कर लेना है जो वीडियो टिकटॉक से आप डाउनलोड किया है। वो वीडियो मैं सिलेक्शन कर देता हूँ, ये जो ये वीडियो सिलेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना पड़ेगी, इसको आपको थोड़ा सा इसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसकी एडजस्ट जैसे करते हो उसके बाद थ्री डॉट देखने को मिल जाए, थ्री डॉट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है, सेंड टू बैक कर देना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगी, इसमें क्लिक करके बैक कर देना है। उसके बाद वो वीडियो पे क्लिक करना है जो वीडियो आप नॉर्मल कैमरा से एक्टिंग किया है, उसमें क्लिक करके इसका सबसे पहले साउंड म्यूट कर दीजिए, जो आप वीडियो शूट कर रहे समय आप जो नॉइस आई थी, कोई आवाज़ आई थी, उसको आपको म्यूट कर देना है, ठीक है। उसके बाद बैक कर दीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल डाउन के आ जाइए, उसके बाद क्रोमा की आप देखने को मिल जाएगी, क्रोमा की पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद पहले आपको क्या करना पड़ेगा, की कलर आपको देखने को मिल जाएगा, की कलर पे क्लिक करके जो आप अंदर शर्ट पहने हो उसको आपको उस कलर को आपको सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। मैं उस कलर को सिलेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, जब इसको करोगे अच्छी तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। ये जो देख लिया बिल्कुल हो गया, उसके बाद देख लेते हैं वीडियो कैसे हुआ, थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं वीडियो कैसे हुआ। ये जो गाइस देख लिया, आप भी इस तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है इस लड़की का वीडियो, ठीक है। कोई भी लड़की बना लेता है इस तरीके से, कोई भी अब इस तरीके से वीडियो आप इस साउंड में बना सकते हो। तो यार इस वीडियो को बहुत जरूरी है, एक बार ट्राई करना है कि कोई लाइक फॉलोअर बढ़ाना चाहते हो तो यार। और वीडियो आज इतना ही था, वीडियो देख लिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको इस वीडियो को भी इसके हिसाब से बैकग्राउंड के हिसाब से इसको भी छोटा कर देना है, इसमें क्लिक करके उसके बाद आपको सीजर ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, उसके बाद बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगी, ये जो इसमें क्लिक करके इसको ऑडियो फेड आउट को म्यूट कर देना, ठीक है। उसके बाद सीआर पे क्लिक करके इसको फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो गाइस वीडियो आज इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना सबसे पहले, उसके बाद आपको सब्सक्राइब कर देना है, अभी नया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद ऑल प्रेस कर दीजिए। मैं क्योंकि इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ आपके लोगों के सामने सबसे पहले, जो पहुंच सके इस तरीके से वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, और इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मैं टिकटॉक का एडिटिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ, जो आपकी कुछ फायदा हो सके और कुछ लाइक फॉलोअर बढ़ सके। तो यार वीडियो अच्छा नहीं था सबसे पहले, चलिए टेक केयर।